हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आपके साथ चेक करने वाली हूँ पर्पल हॉल। एक्चुअली मैंने इस महीने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो हो सकता है मुझे मेरा एक रैंडम हॉल भी आएगा कि मैंने बहुत सारी रैंडम चीज़ें भी ऑर्डर की हैं। ये स्पेसिफिकली मैं पर्पल का ही दिखाने वाली हूँ क्योंकि पर्पल से मैंने थोड़ा ज़्यादा कुछ शॉपिंग किया है। तो अगर आपको जानने में कोई भी इंटरेस्ट है कि मैंने क्या क्या लिया है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। एंड इस वीडियो में जो भी आपको अगर कुछ रिव्यू चाहिए किसी चीज़ का, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहीं कहीं डाल दूंगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। अगर मुझे यहाँ DM कर भी रहे हैं तो मैं प्रोफाइल भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। और ऑल्सो मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ मैंशन करी हूँ सभी का लिंक मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, सो डू चेक दैट आउट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है या आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय हिटिंग दैट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं सन में बहुत ज़्यादा निकलती हूँ एंड मैं सनस्क्रीन फिनिश हो चुका है पहली बार। दूसरी बार मैं बॉडी लोशन भी फिनिश हो चुका है। तो मैंने इस बार लोटस का सेफ सन एंटी टैन बॉडी लोशन मंगाया है क्योंकि विंटर्स में नॉर्मली क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग धूप में निकलते हैं, इसलिए मैंने ये वाला एंटी टैन बॉडी लोशन मंगाया है जिसमें एक्चुअली SPF 25 PA++++ है। तो इट्स क्वाइट गुड फॉर मी कि हाँ, मैं एटलीस्ट मुझे बार बार यू नो एक बॉडी लोशन के अलावा मॉइस्चराइजर लगाने सनस्क्रीन लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इट्स क्वाइट गुड फॉर बॉडी लोशन एंड या सो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, इट्स माय रिंग लाइट शाइन कर रहा है इसके ऊपर। एंड मुझे ये कितने का प्राइस पड़ा, मैं सभी का प्राइसेस स्क्रीन पर ऐसा यहाँ पर मैंशन कर दूँगी। तो पहला प्रोडक्ट ये था। सेकेंड, क्योंकि मैं फेस में बॉडी लोशन तो लगा नहीं सकती हूँ एंड मैंने बताया मेरा सनस्क्रीन खत्म हो गया है, तो सेकेंड इज़ अगेन मेरा लोटस का सेफ सन बॉडी लोशन। ये कुछ इस तरह का दिखता है एंड दिस इज़ SPF 40 मेरा इससे पहले, और आई थिंक SPF 50 था एंड सेम यही चीज़ था, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ और डायग्राम बना था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं मेरा जो पहला सनस्क्रीन था वो भी लोटस का ही था। तो आखिरी लोटस मैंने पढ़ा था ये एक फिजिकल एंड केमिकल सनस्क्रीन दोनों हैं, तो मतलब कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट दोनों के। फिजिकल एंड केमिकल सनस्क्रीन में क्या फ़र्क है, फिजिकल सनस्क्रीन जो होता है वो आपको लगा के यू नो 20 मिनट्स तक या 15 मिनट्स तक घर पे ही रुकना चाहिए, सन में डायरेक्टली नहीं निकलना चाहिए। तो फिजिकल सनस्क्रीन ऐसा कुछ होता है कि मतलब आपको डायरेक्टली उसको लगाने के बाद धूप में नहीं निकलना चाहिए, उसको थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स का टाइम देना चाहिए। एंड दूसरा बात क्या है कि केमिकल सनस्क्रीन वो होता है जिसको आप लगा के तुरंत धूप में निकल सकते हो, वो एक्चुअली आपके स्किन को रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके एंड उसको यू नो कुछ इफेक्टिव तरीके में चेंज कर देता है। सो दूसरा वो होता है। तो सो मैं सेकेंड प्रोडक्ट ये था। अगेन प्राइसेस सारे जिसमें मुझे मिला है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बाकी इसका MRP 275 rupees है। नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्ट इज मेरा सीरम ख़त्म हो चुका है। अगर आपने मैं एंटीज वाला वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि मेरा गुड वाइब्स क्वालिटी एक सीरम ख़त्म हो चुका है। मैंने बोला था कि मैं दूसरा कुछ ट्राई करूँगी एंड दूसरा थिंग इज मेरा बायोटिक वाला भी सीरम ख़त्म होने पर है, मतलब वो यू नो आखिरी सांस ले रहा है तो ख़त्म होने पे है। तो मैंने सोचा कि गुड वाइब्स का दूसरा एक ट्राई किया जाए, तो क्योंकि मैंने बायोटिक का एजलेस वाला ट्राई किया है तो उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरा फाइन लाइन्स वगैरह जो है थोड़ा कम दिखते हैं, मतलब लाइक फोरहेड मुझे जितना व्रिंकल करने का आया था वो चीज़ कम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा गुड वाइब्स का भी एक एज डिफाइंड सीरम लूँ। तो ये मेरा नेक्स्ट सीरम है, दैट इज़ नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दैट इज़ गुड वाइब्स का होहोबा एज डिफाइंड सीरम। होहोबा ही बोलते हैं क्योंकि इसको जोजोबा नहीं पढ़ाता है, दिस होहोबा। सो आई लेट यू नो कि किस तरह से वर्क करता है। बट द थिंग इज गुड वाइब्स का सीरम का एक और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक बॉटल सील होकर आती है, साथ में उन वो एक ड्रॉपर देते हैं ताकि, क्योंकि ड्रॉपर से पहले क्या होता था ना, वो लोग ड्रॉपर देते थे एंड वो बहुत स्पिल हो जाता था, तो दैट्स अ गुड थिंग। उन्होंने अपनी पैकेजिंग चेंज की है, लाइक दे रियली लिसन टू देयर रिव्यूज एंड देयर कस्टमर्स, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो नेक्स्ट ये सीरम था, सो लेट्स सी किस तरह का वर्क करता है एंड इफ इट्स बायोटिक से ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेरा निव्या का वाइटनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट प्रमोट वाइटनिंग। दूसरा इज निव्या का वाइटनिंग सेंसिटिव रोल ऑन। सो ये डीओ रोल ऑन है, ये कुछ इस तरह का दिखता है एंड ये बेसिकली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक ये आई थिंक मेरा सेकेंड या थर्ड बॉटल है जो मैं परचेस कर रही हूँ।
ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आई थिंक मेरे टॉप 10 अंडर 200 वाले वीडियो में बताया था कि कितना अच्छा रोल ऑन है. मतलब रोल ऑन इज़ रियली गुड फॉर यू. ये रोल ऑन बेसिकली आपके अंडरआर्म्स को डार्क नहीं करता, वाइट नहीं है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं अपना अंडरआर्म्स वैक्स कराती हूँ तो मेरे अंडरआर्म्स डार्क है नहीं, तो आई रियली डोंट नो. कमिंग टू स्मेल, सो इट्स लाइक आप रोल ऑन लगा लो अपने अंडरआर्म्स में एंड जब भी अपने हैंड्स रेज करते हो तो वो जो जब भी वो जो स्वेटिनेस होती है वो आपका स्मेल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इट्स रियली गुड फॉर यू. लाइक आप जब भी अपने हैंड रेज करोगे तो वो स्वेट की जगह स्मेल करने की जगह ये पता नहीं एयर से एक्टिवेट हो जाता है, क्या होता है इसका पीछे का लॉजिक, तो ये बहुत अच्छा स्मेल करने लगता है. मतलब जो इसका रोल ऑन का जो स्मेल है ना वो फ्रेग्रेंस और अच्छा होकर आता है एंड वैसा वाला स्मेल आता है, बहुत फ्लोरल काइंड ऑफ जैसा भी आप फ्रेग्रेंस लेते हो वैसा स्मेल आता है. सो इसीलिए तो ओवरऑल मतलब एक बहुत कूलनेस वाला फील भी रहता है, तो मुझे बेसिकली स्वेट स्मेल की प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, थैंक्स टू गॉड. बट द थिंग इज एक बहुत ही फ्रेशिंग वाला रिफ्रेशिंग टाइप वाला फील आता है एंड आपको बहुत रिफ्रेश टाइप फील होता है. लाइक आप जब भी अपने हैंड चेज करते हो एक कूल वाला फील आता है, सो इसलिए मैंने ये दोबारा परचेज किया है एंड इट्स रियली गुड. सो अगर इसमें से मैं इसका रिव्यू दे सकती हूँ, आपको जरूर बाय करना चाहिए. एंड सनस्क्रीन ऑल्सो प्लीज़ डू बाय, प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन. मैं कितनी बार मैं हर एक स्किन केयर वीडियो में बोलती हूँ प्लीज़ डू वेयर सनस्क्रीन, प्लीज़ मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ डू वेयर सनस्क्रीन. नेक्स्ट इज मैंने चार पाउडर्स मंगाए हैं, दैट इज़ ड्राई पाउडर्स, एल्प्स गुडनेस का चार पाउडर मंगाए. एक्चुअली इसमें ऑफर चल रहा था आई थिंक, मुझे मेरे हेयर मास्क के लिए कुछ चाहिए था, मतलब मुझे हेयर में कुछ ट्राई करना था, हेयर मास्क जिससे मेरे बाल थोड़े अच्छे हो. लाइक आई लव शॉर्ट हेयर्स तो, बट स्टिल मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा था एंड फेस मास्क बेसिकली. तो पहले मुझे फेस मास्क का था इसलिए मैंने उबटन पाउडर मंगाया जस्ट टू ट्राई लाइक हाउ इट वर्क्स. एक मामा अर्थ का बहुत महंगा आता है तो मैंने सोचा कुछ ट्राई करता है, कुछ अफोर्डेबल में कुछ अच्छा मिल जाए, तो मैंने ये उबटन पाउडर लिया है. एंड क्योंकि उसमें चार पे आई थिंक कुछ परसेंट 40% ऑफ चल रहा था चार लेने पे, तो मैंने चार प्रोडक्ट मंगाए हैं एल्प्स गुडनेस का ही सेम पाउडर. दिस इज़ आमला पाउडर, नेक्स्ट इज़ मेथी पाउडर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द करी पाउडर. सो दीज आर द फोर पाउडर्स विच आई हैव बॉट. एंड अगर मैं ट्राई करती हूँ, ऑब्वियसली मैंने पैसे क्यों खर्च किए हैं, फिर मैं जब भी ट्राई करूँगी आई लेट यू नो आफ्टर सम टाइम कि किसका का वर्क करता है. तो या आई लेट यू नो गाइज नो. सो मैंने बस इतनी चीज़ें मंगाई थी. सो येस गाइज, दैट वॉज माई फुल हॉल वीडियो एंड बहुत सारा मैंने बताया, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं तो मैं उन सभी चीज़ों का भी हॉल करने वाली हूँ. लाइक एक रैंडम हॉल कर दूँगी एंड क्योंकि मैंने कोई परफेक्ट पर्टिकुलर साइट से नहीं खरीदा, पर्पज से मैंने खरीदा था इसलिए मैंने उसका पूरा हॉल कर दिया. बट बाकी मैंने कुछ इंस्टाग्राम से ज्वेलरी खरीदा है, ज्वेलरी का अलग हॉल कर दूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी है इस बार. एंड देन आई स्टार्टेड, फिर मैंने बहुत सारी रैंडम चीज़ें खरीदी है जो कि मुझे डेली डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए था कुछ इस तरह से, तो वो सब का मैं एक रैंडम हॉल कर दूंगी. तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ऑल्सो आपको इनमें से कोई चीज़ का भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहीं कहीं डाल दूंगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जस्ट क्लिक इट, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम रीचिंग माई इंस्टाग्राम. तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट ऑल्सो, डू चेक माई इंस्टाग्राम ऑल्सो. अगर आपको वहाँ का कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा. सो या, सो दैट वॉज अ वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हो, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके. एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हेलो, वेलकम टू माई चैनल. एंड प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाई हिटिंग दैट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो. इट विल मीन द एब्सोल्यूट वर्ल्ड फॉर मी. सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय.